Audio Jungle. सिंपल दूं कि ये देखें, ये एक आग है जो कि लकड़ियों से जल रही है। उसके अलावा ये एक स्टोव है जिससे गैस के जरिए आग निकल रही है। अब देखो, फिजिकली देखें, मतलब अपेरेंटली देखें, नज़र आने में देखें कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों से आग निकल रही है और दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, दोनों का मकसद सेम है और दोनों से जो मेरा टारगेट है वो कम्प्लीट हो रहा है, तो मैं इन सेंस ये कहूँगा कि ये दो चीज़ें हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, कि इन दोनों का अगर रिस्पॉन्स सेम है तो इन दोनों के दरमियान रिश्ता जो है, जो रिलेशनशिप है, वो लॉजिकल इक्विवेलेंस के दरमियान है, कि इन दोनों का जो लॉजिकल कंटेंट है, मतलब जो रिस्पॉन्स है वो सेम है, चाहे वो फिजिकली डिफरेंट है। तो इस तरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ये होता है कि दो स्टेटमेंट हैं, तो अगर उन दोनों स्टेटमेंट का जो रेस्पॉन्स है, मतलब ट्रुथ वैल्यूज जो हैं, वो अगर के आपस में सेम हैं, दोनों की, उसकी भी सेम, उसकी भी सेम, दोनों की बिल्कुल सेम हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये दो स्टेटमेंट आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं, और इस रिश्ते को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस हुआ क्या, लॉजिकल इक्विवेलेंस इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस इन विच दे हैव द सेम लॉजिकल कॉन्टेंट, मतलब ट्रुथ वैल्यूज, कि उसकी ट्रुथ वैल्यूज और उसकी ट्रुथ वैल्यूज अगर तो सेम है तो मतलब वो आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है, उनके दरमियान रिलेशनशिप पे जो कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि शो दैट के नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, के आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है, इसको शो करें। तो हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। सबसे पहले हमने बनाई ट्रुथ टेबल फॉर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू। इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे ताकि हम इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं कि नहीं हैं इस चीज को प्रूव कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज निकालें, फिर इसकी वैल्यूज निकालें और फिर उन दोनों को आपस में मैच करें। तो अब स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के दरमियान कितने स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, एक पी है, क्यू है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी क्यू है, टोटल हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब दो प्रपोजिशंस हैं। तो प्रपोजिशन पहले लिखा हमने पी, उसके बाद लिखा क्यू, उसके बाद नेगेशन ऑफ पी एक अलग चीज़ आ गई, उसके बाद इन दोनों का और, मतलब कंपाउंड प्रपोजिशन कौन सा है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू। तो इस तरह हमने कॉलम्स बना दिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, किस किस तरह के आउटपुट हमें चाहिए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, उसके लिए फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था पिछले कंपाउंड प्रोपोर्शन वाले लेक्चर के अंदर, के टेबल किस तरह बनाई जाती है। तो उसके लिए फार्मूला बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ रोज होती हैं 2n, n मतलब नंबर ऑफ प्रपोजिशंस, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो अब देखें 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे p था, q था, दो प्रपोजिशंस थे हमारे पास, तो कितने हो गए, 4। तो मतलब यहाँ पे कितनी रोज बनेंगी, 4। तो मतलब हम ट्रुथ वैल्यूज कितनी चेक करेंगे, टेस्ट कितनी करेंगे, वो इसके जरिए हम फार्मूला के जरिए हम फाइंड करते हैं। और ये आपको मैं पहले बता चुका था डिटेल में उस कंपाउंड प्रोपोर्शन वाले लेक्चर के अंदर। तो हम देखते हैं, ट्रू लिखा, उसके बाद फॉल्स लिखा, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब ये यहाँ पे एक बार ट्रू क्यों है, यहाँ पे दो बार ट्रू क्यों है, ये भी मैं आपको उस लेक्चर में समझा चुका था, क्योंकि दरअसल यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 2 की पावर 0, जो कि पहला कॉलम तो 0 होता है जिसके बराबर होता है 1, और ये 2 की पावर 1 जो कि 2 के बराबर होगा। इस तरह स्टेटमेंट हमारी चलती जाती हैं, तो फिर हम उस हिसाब से वो गैप देते रहते हैं, कितनी ट्रू होंगी, कितनी वैल्यूज 1 होंगी। यहाँ पे 1 था तो 1 का डिफरेंस,
यहाँ अगर टू था तो टू का डिफरेंस इस तरह थ्री होता, तो फिर ऐसी बात थ्री का डिफरेंस थ्री होता तो प्लस टू की पावर थ्री होती, तो फिर उस लिहाज से आप डिफरेंस निकालते कि टू की पावर टू होगी, इसके कॉलम के बाद टू की पावर टू होगी जो कि बराबर होगा फोर के, फोर का डिफरेंस आएगा, तो इस तरह हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर टू की पावर जीरो एक, टू की पावर वन टू, तो इस तरह निकाल लिया। तो ये तो टेबल बनाने का तरीका था जो कि आपको मैं पहले बताया था, वो दोबारा बता दिया। खैर, तो हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के लॉजिकल इक्विवेलेंट है, क्या ये दो स्टेटमेंट्स आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं। तो हम निकालेंगे दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़। तो हमने सबसे पहले क्यू की हमने टेस्ट ट्रुथ वैल्यूज लिख दी और पी के लिए टेस्ट ट्रुथ वैल्यूज हमने लिख दी। तो अब नेगेशन ऑफ पी मतलब ये उल्टा हो जाएगा इसका, जहाँ भी ट्रू होगा वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स होगा वहाँ ट्रू। तो ट्रू हुआ तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू था फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स था तो ट्रू हो गया, यहाँ पे फॉल्स था तो ट्रू हो गया, सिंपल। तो इससे हम कहते हैं नेगेशन ऑफ पी, मतलब इसको आपने नेगेट कर दिया, इसको आपने उल्टा कर दिया। अब नेगेशन ऑफ पी और क्यू, और का मतलब फंक्शन क्या होता है कि जहाँ भी एक बार भी इन दोनों में से वन है तो आउटपुट वन आएगा। तो अब देखते हैं नेगेशन ऑफ पी ये है और क्यू ये, इन दोनों में ट्रू है बिल्कुल है एक ट्रू, तो ट्रू आ गया। इन दोनों में ट्रू है कोई ट्रू नहीं है तो फॉल्स आ गया। इन दोनों में ट्रू है बिल्कुल ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू आ गया। इस तरह इसकी प्रोडक्ट बन चुकी, इसके नाथ का कॉलम जनरेट हो गया। अब पी इम्प्लॉयज क्यू, तो ये किस तरह होता है, इसके लिए मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि इफ देन मतलब ये होगा तो फिर ये होगा। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इलेक्शन में इलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं टैक्सेस कम कर दूंगा, मतलब इफ आई विल बी इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस। तो ये मेरी स्टेटमेंट है, तो मतलब ये होगा तो फिर ये लाजमी होना चाहिए। तो सपोज करते हैं पी इम्प्लॉयज क्यू, ये आ गया, मैं इलेक्ट हो गया और ये भी ट्रू हो गया, मतलब मैंने टैक्सेस कम कर दिए, तो ठीक है भाई मेरी स्टेटमेंट साबित हो गई, ट्रू हो गया। ट्रू फॉल्स, मैं इलेक्ट हो गया लेकिन मैंने टैक्सेस कम नहीं किए, मतलब मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। मैं इलेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब फॉल्स, मैं इलेक्ट ही नहीं हुआ, तो चाहे टैक्सेस कम हो ना हो ये मेरी स्टेटमेंट तो है नहीं। मैंने स्टेटमेंट क्या दी, अगर मैं इलेक्ट हुआ, तो मतलब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, तो यार हाल में ट्रू होगी क्योंकि मेरी स्टेटमेंट ही नहीं है। मैं इलेक्ट नहीं हुआ, टैक्सेस कम नहीं हुए, मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट दी नहीं, तो ये भी ट्रू। मतलब जो स्टेटमेंट मैंने दी अगर तो वो गलत है, मतलब मैं इलेक्ट हुआ और फिर मैंने टैक्सेस कम नहीं किए, तो ये गलत बात होगी, ये फॉल्स होगा। तो ये आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है, देखें ये भी ट्रू ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, तो इन दोनों का रेस्पॉन्स, इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज के आपस में सेम, तो ये और ये आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट का सिंबल होता है तीन बार एक, तो इसे ये सिंबल होता है। तो अब ये दोनों आपस में कंपाउंड प्रोसेस लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और ये हमने विद हेल्प ऑफ द टेबल शो कर लिया। तो इस तरह आप कोई भी आपके स्टेटमेंट्स हो, आपके पास सेंटेंसेस हो, वो आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं, ये आपको शो करना हो या आपको प्रूव करना हो, तो आप विद हेल्प ऑफ टेबल इस तरह आसानी से कर सकते हो। ये कुछ लॉज हैं जो कि दिए जाते हैं बुक में अंदर होते हैं, याद तो करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पेपर में इसी तरह सवाल आता है कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है, प्रूफ आइडेंटिटी लॉज, तो आपका आगे ये भी लिखा हुआ होता है, तो आप इसको विद हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल प्रूव कर सकते हो। और जैसे पी आ गया तो आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो, जहाँ एफ है तो मतलब सारे फॉल्स होंगे, टी है तो मतलब सारे ट्रू होंगे, मतलब इस तरह एग्जाम्पल देखें, तो दो स्टेटमेंट थी तो चार रोज बन गई, एफ मतलब सब फॉल्स, पी मतलब चेंज होता रहेगा ट्रू फॉल्स इस तरह। तो इस तरह आप इसका भी करोगे, इन सब लॉज को आप अपना अपने हिसाब से प्रूव कर सकते हो। तो ये लॉज हैं, कुछ टीचर कहते हैं कि याद कर लो, अगर वो बिल्कुल सकते हैं और कहते हैं याद कर लो तो फिर तो याद करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली ये याद करने को नहीं कहा जाता, ये पेपर में खुद ही दिए जाते हैं कि ये लॉ है इसको आप प्रूव करो। इस तरह ये भी लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉज है, एसोसिएटिव लॉज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, डी मॉर्गन है, अब्सॉर्प्शन लॉज हैं, डिफरेंट किस्म के लॉज हैं। तो इस लेक्चर के अंदर देखा कि आखिर लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, जो कि दो स्टेटमेंट के दरमियान रिलेशनशिप है कि वो आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट, मतलब दोनों के कुछ वैल्यू सेम हैं कि नहीं हैं, तो हमने वो प्रूफ भी किया। इस तरह ये लॉज हैं जो कि आप खुद भी प्रूफ कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत भी नहीं होती क्योंकि ये पेपर में आपको दिए जाएंगे, आपको सिर्फ विद हेल्प ऑफ टू टेबल
प्रूव करना होगा। थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।